अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला अपडेट है वो है MOI यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। कहा गया है कि किसी भी साइबर क्राइम यानी ऑनलाइन ठगी या चीटिंग के केस में आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हॉटलाइन नंबर है, जबकि उसके नीचे वाला नंबर ये लैंडफोन नंबर है। आपको यहाँ पर इसका ईमेल भी नज़र आ रहा होगा। ईमो या व्हाट्सएप कॉल के जरिए या ईमेल के जरिए अगर आपको किसी तरह कोई लालच दिया जाता है, किसी प्राइज जीतने या लॉटरी जीतने का झांसा दिया जाता है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपना कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। वहीं पर MOI की तरफ से ड्राइविंग के दौरान फ़ोन को यूज़ न करने को कहा गया है, इससे ट्रैफिक एक्सीडेंट का खतरा रहता है। दूसरा अपडेट कतर में विजिटर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में है। कतर में जो लोग विजिट वीज़ा लेकर के जाएंगे, तो उन लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की मंथली फीस 50 रियाल रखी गई है। विजिटर्स जितने महीने कतर में रुकेंगे, हर महीने के बदले इंश्योरेंस के लिए 50 रियाल देना होगा। वीज़ा को रिन्यू करवाने से पहले इंश्योरेंस को रिन्यू करवाना होगा। अगला अपडेट कतर रेल के बारे में है। कतर रेल वर्ल्ड कप 2022 को वेलकम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उम्मीद की जा रही है कि वर्ल्ड कप 2022 में कतर रेल रोज़ाना 5 लाख से लेकर के 7 लाख लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेगा। वर्ल्ड कप के दौरान कतर रेल की सर्विस रोज़ाना 21 घंटे से ज़्यादा की होगी। इतने बड़े इवेंट में उम्मीद की जा रही है कि 200 से ज़्यादा से कंट्रीज लोग कतर वर्ल्ड कप को देखने के लिए आएंगे। अगला अपडेट में बलदिया ने दोहा में 2 रेस्टोरेंट को 5 दिनों तक के लिए बंद करने का ऐलान किया है। बलदिया की तरफ से इंस्पेक्शन कैंपेन में इन होटलों में वायलेशन को देखा गया। अगर आप भी किसी होटल में वायलेशन को देखते हैं, जैसे सफाई सुथराई में कमी, बासी खाना या खराब खाना, इसी तरह रेट में ज्यादती, तो 184 पर कॉल करके अपना कंप्लेन बलदिया में रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी दुकान में दूसरे दुकान के मुकाबले में रेट ज़्यादा ले रहा है, तो आप उस दुकान वाले से सामान लेकर के बिल बनवा लें और बिल में उतना ही लिखाएं जितना आपने पैसा पे किया है, और उस बिल को लेकर के आप बलदिया में चले जाएं और अपना कंप्लेन दर्ज करवाएं। बाकी आगे का काम बलदिया वाले खुद से निपटा लेंगे। आज का जो लास्ट अपडेट है वो है कतर में ID गुम होने के बारे में, लॉस्ट होने के बारे में, कि अगर कतर में किसी का ID गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है या टूट फूट कर ख़राब हो जाता है, तो उसे क्या करना चाहिए। इसके बारे में कतर ई गवर्नमेंट पोर्टल ने कहा है कि कुछ स्टेप्स हैं जिसको कंप्लीट करके आसानी से फिर से नया ID बनवा सकते हैं, दूसरा ID ले सकते हैं। इसके लिए मेत्रास 2 या कतर ई गवर्नमेंट पोर्टल में लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद में आपको रेजिडेंसी सर्विस मिलेगा। इसमें जाने के बाद ID डैमेज या लॉस्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका ID लॉस्ट हो गया है तो लॉस्ट वाले ऑप्शन को, अगर आपका ID डैमेज हो गया है तो डैमेज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इस तरह आप अपने लिए और अपने फैमिली मेम्बर के लिए दूसरा ID कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अगर चाहे तो मंदूब अपनी कंपनी के वर्करों के लिए भी ये काम कर सकता है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका ID गुम हो जाता है तो आप ID लॉस्ट वाले ऑप्शन को यूज़ मत करें, क्योंकि इसके लिए आपको पुलिस में जो है पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप डैमेज ID करके वहाँ से आप इसको ID को फिर से अपना ID बनवा सकते हैं। ID डैमेज वाले ऑप्शन में आपको पुलिस में रिपोर्ट करना ज़रूरी नहीं होगा। 220 रियाल पे करने के बाद में आपके पास में नया ID कार्ड बन करके आ जाएगा। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ID के गुम होने की सूरत में या ID के टूटने फूटने की सूरत में अपने ID को रिन्यू करवा लेते हैं, तो इस तरह एक साथ में 2 काम हो जाता है। उसका अकामा भी रिन्यू हो जाता है और नया ID कार्ड भी बन करके आ जाता है। लेकिन ये काम आप उस वक्त कर सकते हैं जबकि आपके ID में एक्सपायर होने के लिए 6 महीना से कम रहेगा। अगर आपके ID कार्ड में एक्सपायरी डेट 6 महीना से ज़्यादा है, 1 दिन या 2 दिन भी ज़्यादा है, तो आपका ID कार्ड रिन्यू नहीं होगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। रोज़ाना इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। इस वीडियो को भी लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।